दुनिया में हर आदमी फाइनेंशियल फ्रीडम पाना चाहता है, ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी। अगर इस वीडियो में बताई गई बातों को आप अपनी जिंदगी में उतार पाए तो आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को बहुत जल्दी और बहुत आसानी से पालेंगे। शुरू करते हैं। लेट मी स्टार्ट दिस वीडियो टुडे विद अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ माई ओन लाइफ। मैं एक छोटे से शहर में पला बड़ा हूं जिसका नाम शिमला है, हिमाचल प्रदेश में। बचपन से हम चार दोस्त होते थे, बहुत पक्के, बहुत ज्यादा पक्के। तो इस दिवाली में जब शिमला गया मैं, तो हम चारों दोस्त मिले, हमने कहा मिलते हैं। तो हम चारों अपनी अपनी गाड़ी में एक जगह पहुंचे और वहां अंदर बैठ गए, सिंगल माल्ट मंगाई, पीने लगे, उसके बाद खाना वाना खाया, क्रेडिट कार्ड से बिल पे किया, वेटर को टिप दी, बाहर आए, उसमें से एक दोस्त सिगरेट पीता है, उसने सिगरेट पीना शुरू किया और फिर हम वैसे ही थोड़ा सा बातें करने लगे, याद करने लगे अपने पुराने दिन। तो हम ये कहने लगे कि यार, हम जब पहली हमारी जॉब होती थी, जब हमने पहली जॉब की थी, हम चारों शिमला में ही थे उस समय, और हम सब कितनी मस्ती किया करते थे उस टाइम। आज हम पार्टी कर रहे हैं यहाँ पे दिवाली से पहले, उस समय भी हम पार्टी करते थे, मगर उस समय हमारी पार्टी क्या होती थी, हम बाइक में जाते थे, दो बाइक्स होती थी हमारी, चार लोग हम जाते थे, कहीं पे किसी पहाड़ में बैठ जाते थे, फ्रूट्स व्रूट्स चिप्स विप्स लेकर के वॉकमैन में म्यूज़िक लगा देते थे, उसमें नाचते रहते थे, अंताक्षरी खेलते रहते थे, पेड़ में चढ़ते थे, पहाड़ों में दौड़ते थे, उल्टी सीधी बातें करते थे, नॉनसेंस, और पूरा दिन का पास हो जाता था, पता नहीं चलता था, और कितना मज़ा आता था, कितना इंजॉय करते थे। और उसके बाद हम जाते थे पान खाने के लिए मॉल रोड पे, और उसके बाद घर जाते थे, ऐसा लगता कि आज हमने ज़िंदगी जी ली है। और यार, आज हम यहाँ पे भी फाइव स्टार होटल के सामने खड़े हैं, सिगरेट पी रहा हूँ मैं, और मज़ा ही नहीं आया यार कुछ। हम इतनी सीरियस बातें कर रहे हैं और अंदर इतने पैसे खर्च दिए हमने, फिर भी मज़ा नहीं आया। तो दूसरे दोस्त ने बोला कि तू सही कह रहा है यार, उस समय जो हमारी बाइक थी उसमें हम पेट्रोल भी उतना ही भराते थे जितना हमें चलना हो, 100 रुपये 50 रुपये बस। आज हमारे पास गाड़ी है, वो टैंक फुल रहता है, उसमें जेब है, उसमें क्रेडिट कार्ड से फुल रहता है, सब चीज़ें हैं हमारे पास, मगर जो मज़ा इन्जॉयमेंट उस टाइम हम करते थे, जो क्रेजीनेस उस टाइम हम करते थे, जो पागलपन उस टाइम था, वो आज नहीं है। तो मैंने उन दोनों से कहा, भैया मुझे रुलाओगे क्या, चलो पान खाने चलते हैं यार। पार्टी के बाद उस समय भी हम पान खाते थे, आज भी चलो पान खाने चलते हैं। और फिर भैया हम पहुंच गए पान खाने के लिए। फिर एक दोस्त ने तो हद से ज़्यादा सेंटी स्टेटमेंट मार दी, उसने बोला यार पहले हम कितने गरीब होते थे मगर कितनी अमीरी होती थी हमारी लाइफ में, और आज हम कहने के लिए अमीर हो गए हैं कुछ हद तक, मगर गरीबी बढ़ गई है हमारी यार। मैंने बोला भाइयों फिर से सेंटी कर रहे हो, इतना सेंटी मत करो, चलो कोई गाना गाते हैं। हम उस समय भी गाने गाते थे, आज भी गाना गाते हैं। हम में से एक दोस्त जिसकी आवाज़ बहुत अच्छी थी उसने गाना शुरू किया और हम सब ने गाना शुरू कर दिया, ये दौलत भी ले लो, ये शोहरत भी ले लो, भले छीन लो मुझसे मेरी जवानी, मगर मुझको लौटा दो बचपन का सावन, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी, वो कागज की कश्ती, वो बारिश का पानी। तो क्या मतलब बात है, क्या बात है, क्या बात है। सबने बहुत मतलब उससे इंजॉय किया और हम थोड़ा इमोशनल भी हो गए और अपने अपने घर चले गए। तो आप सोच रहे होंगे, भैया ये स्टोरी काहे के लिए सुना दी तुमने, मतलब टॉपिक कुछ और था, स्टोरी तुम सुना रहे हो। ऐसा नहीं है, स्टोरी जो है ना ये इस टॉपिक से बहुत रिलेट करती है, और अब हम देखते हैं कि कैसे रिलेट करता है, और आप सब भी इससे बहुत स्ट्रांगली रिलेट कर पाएंगे। बने रहिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल फ्रीडम और आपके बीच में एक बहुत बड़ा दुश्मन है, बहुत बड़ी रुकावट है जो फाइनेंशियल फ्री नहीं होने देता। वो क्या है, वो है आप खुद। कैसे, आइए समझते। जब हमारी नौकरी लगती है ना, उस समय हमारे पास बहुत कम पैसे होते हैं और उन कम पैसों पे हम गुजारा करते हैं, जैसे तैसे भी उसी में पार्टी करते हैं, उसी में इंजॉय करते हैं। फिर धीरे धीरे हमारी इनकम बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है, बढ़ने लगती है। जैसे इनकम बढ़ने लगती है वैसे हमारे खर्चे भी बढ़ने लगते हैं। पहले गाड़ी आती है, फिर महंगा मोबाइल आता है, फिर महंगे कपड़े आते हैं, फिर वो कपड़ों की स्पीड और ज़्यादा बढ़ जाती है, फिर घर जो छोटा होता है वो और बड़ा हो जाता है, कूलर एसी में कन्वर्ट हो जाता है, कुर्सियाँ काउच में कन्वर्ट हो जाती है, गद्दा बेड में कन्वर्ट हो जाता है, 1 बेडरूम 2 बेडरूम में कन्वर्ट हो जाता है, 3 बेडरूम में कन्वर्ट हो जाता है, छोटी सोसाइटी बड़ी सोसाइटी में कन्वर्ट हो जाती है, कार बड़ी कार में कन्वर्ट हो जाती है, आउटिंग्स टूर में कन्वर्ट हो जाती है, टूर इंटरनेशनल टूर में कन्वर्ट हो जाते हैं, रॉयल स्टैग, 100 पाइपर्स जॉनी वॉकर और जॉनी वॉकर तलिस्कर, मतलब कब कहाँ कौन सी चीज़ कन्वर्ट हो जाती है शायद हमें पता भी नहीं चलता। और इन सब के बावजूद हमें वो खुशी नहीं मिलती जो हमें लगता है कि हम महंगी चीज़ों को और अपनी लाइफस्टाइल को बढ़ा करके
ले सकते हैं। और ओवर अ पीरियड ऑफ 5, 10, 12 ईयर्स ये लाइफस्टाइल अपने आप को ऐसे धीरे 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 एक्सपेंड करते हैं ना, जैसे दीमक होती है ना जो लकड़ी के अंदर धीरे 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 जाती रहती है, पता भी नहीं चलता। वो तब पता चलता है जब लकड़ी अंदर से खोखली हो जाती है। इसको थोड़ा सा गहराई से समझते हैं। हर दुनिया में हर आदमी के पास 3 तरह की इन्फ्लेशन होती हैं। एक होती है महंगाई, जो महंगाई बढ़ती रहती है, हर समय बढ़ती रहती है। जो चीज़ आप 100 रुपये की ले सकते थे पहले, आज वही चीज़ आपको 150 या 200 रुपये की मिलती है। इन्फ्लेशन बहुत अच्छी वाली इन्फ्लेशन होती है, वो होती है आपकी इनकम में इन्फ्लेशन। मतलब आपकी इनकम इन्फ्लेट हो रही है, मतलब इनकम बढ़ रही है, इनकम और बढ़ रही है, मज़ा आ रहा है, और बढ़ रही है, मज़ा आ रहा है। और तीसरी इन्फ्लेशन होती है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। ये एक हद तक बहुत बढ़िया होती है, एक हद से अगर बढ़ जाए तो फिर वो दीमक की तरह हमें अंदर से खा ले। मान लीजिए किसी साल में आपकी सैलरी बढ़ी 12%, उसी साल में महंगाई बढ़ी 7% से, तो आपकी सैलरी एक्चुअली जो बढ़ी है ना 12-7 5% से बढ़ी है, मगर आपको ऐसा लगता है कि सैलरी बढ़ गई 12% से, खर्चे बढ़ा दो 12% से 15% से। मगर बढ़ी तो सैलरी 5% है ना, आपने लाइफस्टाइल बढ़ा दिया अपना 10% या 12% से, बढ़ी है सैलरी सिर्फ 5%। तो वो जब आपका लाइफस्टाइल 12% से बढ़ता है, सैलरी 5% से बढ़ती है, तो जितना आप पहले सेव करते थे उतना भी सेव करने के लिए आपको तंगी से गुजरना पड़ता है। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती है तो लॉजिकली आपको अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के और करीब जाना चाहिए, आपकी नेटवर्थ और इंक्रीज होनी चाहिए, मगर नहीं, क्योंकि आपने अपनी लाइफस्टाइल को एक्सपेंड करते टाइम नहीं लगाया और सैलरी उतनी एक्चुअली बढ़ी नहीं है, महंगाई को आपने देखा नहीं, तो नेट नेट आपके पास सेव करने के लिए कुछ बचता ही नहीं है। सही तरीका है कि पहले आप जब भी सैलरी बढ़े, समझ लो आपकी 10% से सैलरी बढ़ी, पहले तो आप ये देख लो कि यार महंगाई कितनी बढ़ रही है, तो मोटा मोटा मेरे पास बचेगा कितना। अब जितना भी बचेगा, मान लीजिए 10% बचता है मेरे पास मोटा मोटा, तो 10% से मैं क्या 5-7% अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ा सकता हूँ, क्या इतना अमाउंट कॉर्पस में इन्वेस्टमेंट में डाल दूँ, और बचे हुए जो 4-6% है उसको फिर मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं अभी तो जिस लाइफस्टाइल में उसको जी रहा हूँ ना, अभी ऐसा तो है नहीं उसमें कोई तंगी आ रही है, तो अब इसमें क्या चीज़ें हैं जो ज़रूरी है मुझे बढ़ानी। और फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए आपको एक चीज़ पे बहुत पैनी नज़र रखनी होगी, वो है आपकी नेटवर्थ। नेटवर्थ मतलब जितनी भी आपकी सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट्स, जो भी जिस तरह की भी इन्वेस्टमेंट, चाहे वो लैंड के रूप में हो, चाहे वो एसेट्स के रूप में हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड हो या FDs हो, कुछ भी हो, सारी इन्वेस्टमेंट उसकी नेट वैल्यू कितनी आती है, माइनस आपकी लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ मतलब कोई लोन आपको चुकता करना है या कुछ भी ऐसा, या कोई आपकी ज़िंदगी में ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो आपको पूरी करनी है, बच्चों की शादी है, पढ़ाई है, कुछ भी ऐसी जिसमें आपका पैसा जाना ही जाना है, वो सब चीज़ों को माइनस कर दीजिए, तो एसेट्स माइनस जो भी आपकी लाइबिलिटीज़ हैं, जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, माइनस करके जो आता है वो आपका एक्चुअल नेटवर्थ है। अब ये नेटवर्थ होना कितना चाहिए, मान लीजिए आपको आज की रेट में 1 लाख महीना लगता है काफ़ी होगा, तो आपको साल का 12 लाख काफ़ी होगा, तो 12 लाख को डिवाइड कर दीजिए 5% से और फिर आ जाता है 2 करोड़ 40 लाख। तो 2 करोड़ 40 लाख का नेटवर्थ होना चाहिए आपके पास फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए, वो इस हिसाब से कि 2 करोड़ 40 लाख आप किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में डाल देंगे जो कि सेफ होगा, तो 5% रिटर्न तो मिनिमम हमें मिल ही जाएगा वहाँ से। 5% रिटर्न अगर आपको 2 करोड़ 40 लाख में आप कैलकुलेट करोगे तो 12 लाख आता है। 12 लाख का मतलब 1 लाख पर मंथ, तो मतलब आपकी लाइफ चलती रहेगी और 2 करोड़ 40 लाख पड़ा रहेगा साइड में। इसके अलावा अगर आपको और कोई कंटिंजेंसी प्लानिंग भी करनी है उसके साथ, उस अमाउंट को भी उसके साथ जोड़ दीजिए और इस 2 करोड़ 40 लाख की फ्यूचर वैल्यू निकाल लीजिए, जब भी कभी आपको फाइनेंशियली फ्री होना है उस समय के लिए, जो भी उसकी फ्यूचर वैल्यू होगी उतना कॉर्पस उस समय आपके पास होना चाहिए। तो जैसे कि हमने समझा, आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपके मंथली एक्सपेंस कितने होंगे रिटायरमेंट के बाद, उसको आप 12 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, वो आपके एनुअल एक्सपेंस आ जाते हैं, उसको डिवाइड कर दीजिए 5% से, तो जितना भी कुछ है उसमें आप अपनी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ आप घूमने जाना है, वो सब ऐड करके जो भी एक अमाउंट आता है उसको आप देख लीजिए उसकी फ्यूचर वैल्यू क्या है। मान लीजिए आप 45 साल के आज हैं और 55 साल में आपको रिटायर होना है, तो 10 साल आपके पास हैं, 10 सालों में मान लीजिए इन्फ्लेशन 5.5% के हिसाब से बढ़ रही है, तो 5.5% की इन्फ्लेशन दर के हिसाब से 10 साल बाद कितनी वैल्यू होगी। जैसे हमने 1 लाख का एग्जाम्पल लिया था तो उसमें 2.4 करोड़ का हमारा कॉर्पस आ रहा था, 2.4 करोड़ के ऊपर मान लीजिए 10 लाख आपके और हैं जो आपको लगता है कि 10 लाख की जरूरत पड़ेगी मुझे, तो 2.5 करोड़ हो गया। अब इस 2.5 करोड़ की फ्यूचर वैल्यू 10 साल के हिसाब से 5.5% के इन्फ्लेशन के हिसाब से बनती है 4.27 करोड़। उस समय 10 साल के बाद आपके पास 4.27 करोड़ होना चाहिए
टू बी फाइनेंशियली फ्री। प्लस आपके पास एक अच्छी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी होनी चाहिए, हेल्थ से रिलेटेड कुछ भी एक्सपेंस हो, मेडिकल एक्सपेंस, वो सारे कवर हो जाए। तो आई होप ये प्लानिंग आपने समझ ली होगी और ये बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए। इसको आप नोट कर लीजिए, कहीं पे लिख लीजिए, ताकि इस पे आप आज से ही काम करना शुरू करें। और फिर कई बार तो क्या होता है ना, लोग सिर्फ रिवेंज स्पेंडिंग करते हैं। रिवेंज स्पेंडिंग आपने सुनी, रिवेंज टूरिज्म सुना होगा आपने, कोरोना में बहुत लोग रहे हैं घर के अंदर, फिर एकदम बाहर निकलते हैं, बस रिवेंज टूरिज्म, वैसी रिवेंज स्पेंडिंग होती है कि आदमी मिडिल क्लास फैमिली में रहा, हमेशा अपने मन को मारता रहा कि यार ये नहीं वो नहीं, फिर एकदम से पैसे आते हैं, आदमी को लगता है कि यार अब तो लाइफ स्टाइल बढ़ाओ, अब तो मतलब जो हम नहीं कर पाए कभी वो सब हमें करना है, मतलब कुछ भी हो जाए जाए उसके लिए किसी भी हद तक गुजरना पड़े। एक समय के बाद डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ रिटर्न मिलना चालू हो जाता है लाइफ में, जैसे इकोनॉमी में होता है ना वैसे लाइफ में भी होता है। तो आप समझिए कि आपका डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ रिटर्न कहाँ पे है, वहाँ पे थोड़ा फुल स्टॉप लगाना सीखिए। आइए इसे समझते हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ, जिसे कहते हैं फुलफिलमेंट कर्व। इसकी वाई एक्सिस में है फुलफिलमेंट, फुलफिलमेंट का मतलब खुशी, और एक्स एक्सिस में है पैसा, मतलब कितना हम पैसा खर्च कर रहे हैं। तो जैसे जैसे हम पैसा खर्च करते जाते हैं, खुशी जिंदगी में आती जाती है। पहले हम सर्वाइवल में जाते हैं, फिर कंफर्ट में जाते हैं, फिर हमारी जिंदगी में लग्जरी आती है। और एक समय के बाद ऐसा आता है कि इतनी लग्जरी आ चुकी होती है आपकी लाइफ में कि वो इनफ होती है। उसके बाद आप ओवर स्पेंडिंग भी करेंगे, ओवर कंजम्पशन भी करेंगे, तो खुशी कम ही होगी, ज़्यादा नहीं होगी, ग्राफ फिर से नीचे जाना शुरू हो जाएगा। तो आप समझिए कि आपकी लाइफ का वो इनफ कहाँ है। उसके बाद अगर आप ओवर स्पेंडिंग कर रहे हैं तो आपको खुशी नहीं मिलेगी। बस यही पॉइंट है, यही पॉइंट है जहां पे कि आप अपना फुल स्टॉप लगाइए अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन में खर्च करने के लिए, और अपने पैसे को डाइवर्ट करिए अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, ताकि आप जल्दी से जल्दी उस अल्टीमेट फ्रीडम की तरफ जा सकें जिसे कहते हैं फाइनेंशियल फ्रीडम। जरूरत, कंफर्ट और दिखावे के फर्क को समझिए, क्योंकि कई बार कंफर्ट और दिखावे के बीच में हम फर्क नहीं कर पाते। वो कंफर्ट और दिखावे के बीच में एक बहुत थिन लाइन होती है, वो कब हम क्रॉस कर देते हैं और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को इतना बढ़ा देते हैं कि हम अपनी नेटवर्थ को नहीं बढ़ा पाते। आप उस चंगुल में मत फंसिए। कैसे आप अपनी लाइफ में पैसे को बढ़ा सकते हैं और कैसे आप गलतियां करते हैं जिससे आप हमेशा तंगी में रहते हैं, इसके लिए मैंने एक और वीडियो बनाया इससे पहले, इसमें 35 मनी मिस्टेक्स की मैंने बात की है, एक नहीं दो नहीं तीन नहीं 35 मनी मिस्टेक। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि कैसे आप अपनी लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन को कम कर सकते हो और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को मजबूती से जल्दी से ला सकते हो और नेटवर्थ अपनी खट 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 इजीली बढ़ा सकते हो। जरूर देखिएगा, आदमी की जिंदगी में सबसे बड़ी चीज होती है फ्रीडम, उससे बड़ा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो अगर आपको भी आपकी फ्रीडम इंपॉर्टेंट है तो उसकी तरफ कदम बढ़ाएं। आइए मिल करके इस अवेयरनेस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाते हैं। आप इस वीडियो को अपने फैमिली, फ्रेंड, टीम, हर एक आदमी से शेयर करें और उनकी ज़िंदगी में फाइनेंशियल फ्रीडम को पाने में उनकी मदद करें। अगर आपको मेरा यह छोटा सा प्रयास अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कर दें। अगर इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है ना उसको ज़रूर दबा दें, ताकि इस तरह की वीडियो आप तक जल्दी पहुँचते रहें। मिलते हैं अगले हफ्ते ऐसे ही किसी ज़ोरदार सब्जेक्ट के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।